सकता। भगवान को कौन पाएगा? मेरी माँ सुंदर तन वाला कभी भगवान को नहीं पा सकता। यदि सुंदर लोग भगवान को पा लेते तो सुंदर लोग पा ही लेते। भगवान सुंदर तन को महत्व नहीं देते। क्या देते हैं? किसको महत्व देते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमें मन चाहिए। मन कौन सा मन? निर्मल। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? बोले मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हमें मन निर्मल चाहिए, पर मन कपट नहीं होना चाहिए। कपट जो हमारे भीतर है, हमें उस कपट का त्याग करना होगा। हम बिल्कुल जैसे बाहर हैं वैसे ही भीतर रहें। हम बिल्कुल किसी के प्रति ना द्वेष रखें ना ईर्ष्या रखें, यही निष्कपटता है। यदि हमने आपसे ऊपर से अच्छे से बात की और अंदर से हमारे अंदर आपके प्रति कोई द्वेष है, कपट है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें निर्मल होना चाहिए। एक दादाजी भगवान के सामने हाथ जोड़ के स्तुति करने लग गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दादाजी स्तुति कर रहे थे तो नन्हा सा बच्चा खड़ा, वो अपने दादाजी को देखे कि ये तो कुछ श्लोक बोल रहे हैं, पर छोटा सा बच्चा था, उसे तो कुछ आता नहीं था, तो उसने भी बोलना शुरू कर दिया। कुछ बोला तो दादाजी को लगा ये तो छोटा है, इसे तो कुछ आता नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है? तो दादाजी ने पूछा, बेटा तुम क्या बोल रहे थे भगवान के सामने? तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि आप कुछ बोल रहे थे तो हमने भी जो पढ़ा था हमने भी बोल दिया। तो तुमने क्या बोल दिया? हमने भगवान से कह दिया, का खा गा घा इंगा, का खा गा घा इंगा, चा छा जा झाया, का खा गा घा इंगा, चा छा जा झाया, का खा गा घा इंगा। क्यों बोला उसने ये? क्योंकि इसने यही पढ़ा था, और दुनिया का हर श्लोक दुनिया का हर मंत्र इन्हीं 52 अक्षरों से मिलकर बनता है। प्रभु अक्षर हमने बोल दिए, अब जो श्लोक आपको बनाना है आप बना लेना, जो प्रार्थना आपको समझनी है आप समझ लेना, हमने तो बोल दिया। तो भगवान शब्दों के भूखे नहीं है, और भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, रूप रंग के भूखे नहीं है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। कि यदि भाव से आपने कुछ भी तो मन को पवित्र करना है तो सत्संग के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप लोग सत्संग आज से कर रहे हैं, नित्य करते ही आए हैं। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुनकर शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आ गए। ये क्यों आ गए? इनके मन को शुद्ध कर दिया कथा के जल ने।